hello students once again i'm here this day we are just telling you the question and answer of the first chapter the rise of nationalism in europe you will write in your copy some important question related to that chapter so let us start the another questions from this chapter the question third इन 1830 थर्टी वेर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप एक्सप्लेन इट क्वेश्चन कहता है 1830 में यूरोप में आर्थिक परेशानियां आई तो यूरोप में 1830 के टाइम में कौन सी आर्थिक परेशानियां आई यूरोप के लोगों को क्या परेशानियां झेलनी पड़ी आंसर इज इन 1830 थर्टी इनॉर्मस इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन जैसा कि हमने बुक में भी पढ़ा टेक्सट बुक में फिर रिविजन में हमने पढ़ा नोट्स हमने बनाए थे जो एटीन थर्टी में इन यूरोप द पॉपुलेशन अराइज रेपिडली द इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन वन ऑल ओवर द यूरोप पूरे यूरोप में द पॉपुलेशन इंक्रीज़ रैपिडली, इनमस इंक्रीज़ बहुत तेजी से बढ़ी जनसंख्या अब जब कभी पॉपुलेशन बढ़ती है तेज़ी से तो वहाँ पर फूड की शॉर्टेज आती है पॉपुलेशन ज़्यादा होने से स्लम्स एरिया बढ़ जाते हैं पॉल्यूशंस हो जाता है और रो, रोज़गार की जो रोज़गार है वो कम हो जाते हैं रोजगार पाने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो एटीन थर्टी में वैन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन सीन ऑल ओवर यूरोप इन मोस्ट कंट्रीज दियर वेर मोर सीकर्स ऑफ जॉब जो जॉब तलाश करने वाले लोग थे जॉब सीकर्स वो क्या थे ज्यादा थे देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फर्स्ट है जॉब के मुकाबले में जॉब तलाश करने वालों की संख्या ज्यादा थी यानी काम करने वाले लोग ज्यादा थे और काम बहुत कम था जिस मात्रा में काम करने वाले ज्यादा थे काम उस अकॉर्डिंग था ही नहीं एक काम को करने के लिए दस लोग आ जाते थे तो बहुत सारे कंट्रीज में जॉब सीकर वो मोर थे द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के मुकाबले में थर्ड पॉइंट था पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड टू द सिटीज अब जब लोगों को पता चला कि भाई यूरोप में शहर डेवलप हो रहे हैं वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है मार्केट एक्सपेंड हो रहा है और अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है तो लोग क्या करने लगे पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लैम्स जो भीड़ भाड़ वाली झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जहाँ पर उनको प्रॉपर पोर्टेबल वाटर अवेलेबल नहीं होता जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है जहाँ पर प्रॉपर हाइजीनिक व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर रहने के लिए लोग मजबूर हो गए तो गाँव से ज़्यादा लोग काम की तलाश में शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में स्लम्स एरिया में रहने के लिए मजबूर हो गए जो ओवर क्राउडेड थे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड थे स्मॉल प्रोड्यूजर जो छोटे प्रोड्यूजर थे इन टाउन शहरों में ऑफन फेज स्टिप कंपटीशन जो शहरों में छोटे उत्पादक थे किसी कपड़ा छो, कपड़े के छोटे उत्पादक या किसी वस्तु को बनाने वाले टाउन में जो थे उनको बहुत स्टिप कम्पन यानी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता था जो मशीनों के द्वारा जो इंग्लैंड में तैयार किया जाता था सस्ता सामान था वो इम्पोर्ट ऑफ द चीप मशीन जो सस्ती मशीनों के चीप मशीन मेड गुड्स यानी मशीन मेड जो सस्ती चीजें होती थी इंग्लैंड से मंगाई जाती थी वो सस्ती उनका कंपटीशन यहाँ के प्रोड्यूजर नहीं कर पाते थे इन मैनी रीजन ऑफ यूरोप यूरोप के कई रीजन्स में जो थे, स्ट्रगल जो चला अंडर बर्डन ऑफ फ्यूडल फ्यूडल मैंने बताया था सावंती प्रथा जिसमें जो बड़े जो जमींदार थे तालुकदार वगैरह जो थे वो क्या करते थे अपने जहाँ इनके जहाँ पास ज़्यादा खेत होते थे वो छोटे गरीब किसानों को किराए पर एज ए रेंट दे देते दे थे, थे जिसके बदले में इनको इनके खेतों में काम करना पड़ता था इन गरीब मजदूरों को लेबर्स को पीजेंस को तो ये टैक्स ज़्यादा लेते और रेंट ज्यादा थे फ्यूडल ड्यूज के कारण कई सारे रीजन में जो पीजल्स थे उन्होंने इसके लिए स्ट्रगल किया अंडर दबलाइजेशन अंदर द राइट ऑफ फूड और धीरे 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 जैसे हम जानते हैं यूरोप में जब पॉपुलेशन इतनी बढ़, बढ़ने लगी लोग काम की तलाश में शहरों में आए और शहरों में उन्हें झुग्गी झुगड़ियों में रहना पड़ा क्या करते वो काम के काम उनके पास था नहीं तो कभी कभी हम ये देखते हैं कि जो राइज ऑफ फूड प्राइस और फूड के दाम जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई सप्लाई ज़्यादा नहीं हुई सप्लाई ज़्यादा ना होने से क्या होता है डिमांड तो उतनी डिमांड तो और ज़्यादा बढ़ी सप्लाई नहीं थी तो फूड प्राइस ज़्यादा हो गए और लोगों की वेजिस नहीं बढ़ी ये याद रखना आप कि जैसे प्राइस बढ़ी उस अकॉर्डिंग जो लेबर्स थे जो वर्कर्स थे उनकी वेजिस नहीं बढ़ी उनकी वेजिस उतनी रही अब उनको उतनी ही वेजिश में ज़्यादा कीमत देके के फूड खरीदना था यस तो फूड जैसे फूड प्राइस बढ़े और यस और उस साल जब ख़राब फसल होती थी लेट टू द वाइड स्प्रेड पवरिज इन टाउन एंड कंट्रीज तो बहुत एक भूखमरी जैसे हालात देश में पैदा हो जाते थे तो ये हमने देखा कि 1830 के टाइम पर जब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी फूड प्राइजेज दोनों बढ़ गए और वहाँ पर सूखे के कारण या फसल बर्बाद होने के कारण किस तरह से इसका इफेक्ट एक मिडिल मैन पर पड़ा पीजेंस पर पड़ा और हर जगह पर गंदगी में रहने के लिए मजबूर हो जाती थी तो आई होप यू हैव द क्वेश्चन एंड एज वेल एज द आंसर ऑफ दिस चैप्टर द क्वेश्चन नंबर थ्री टू द क्वेश्चन नंबर फोर आइडेंटिफाई काउंट काबूर टेलिंग द पार्ट प्लेड बाई हिम इन द यूनिफिकेशन ऑफ इडली काउंट काबुर जो था हमको याद होगा जो एम्यूनल सेकिन था एम्यूनल का एम्यूनल सेकिन का चीफ मिनिस्टर था ये काबूर तो उसका रोल बताइए कहता है कुछ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग के लिए काउंट काबूर का जो रोल है वो बताइए कह रहा है तो हमें ये तो याद है कि एम्यूनल सेकंड जो था जो साडेनिया प्रांत का था जो इटली राजघराने से बिलोंग करता था केवल यही ऐसा व्यक्ति था एम्यून सेकंड जो इटली राजघराने का था तो जब काबुर फेल हो गया कहते हैं जो उसने बनाई थी अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी तो कहा जाता है कि इसके बाद इसकी सारी जो रिस्पांसिबिलिटी थी इस पर आ गई थी एमिनल सेकंड पर काउंट काबूर अगर हम देखें काउंट काबूर जो चीफ मिनिस्टर था एमिनल सेकंड का ही वाज़ द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर वो एक महान एडमिनिस्ट्रेटर था और रिफॉर्मर भी था ही वाज़ अ रिफॉर्मर आल्सो द रेड क्रेडिट फॉर द यूनिट उसने एक रेड क्रेडिट बनाया यूनिफिकेशन के लिए इटली के लिए तो जो सॉरी रियल क्रेडिट जो है इटली के यूनिफिकेशन का जो रियल क्रेडिट जाता है असली श्रेय जो जाता है वो काउंट कापुर को ही जाता है कहेंगे आप द रियल क्रेडिट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली गोज टू काउंट काबूर एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा था रिफॉर्मर भी था वो ही टू रिकोर्स टू स्ट्रेट डिप्लोमेसी उसने एक कूटनीति अपनाई थी एंड ही साइड्स स्टेट को अट्रैक करने के लिए like लोम्बार्डी है, है परमा है और थ्रो ऑफ द ऑस्ट्रियन युग ऑस्ट्रियन का जो राजा का प्रभाव था उसको बाहर फेंका उखाड़ फेंका एंड द ज्वाइन सर्डेनिया और सर्डेनिया प्रांत में मिला दिया इसने हिस्टोरियंस इतिहासकार ये कहते हैं कि बिस्टो हिम द ऑनर ऑफ उसको एक ऑनर दिया जाता है इटली के इतिहास में उसे बिस्मार्क कहा जाता है इटली का तो एज जैसा कि हम जानते हैं बिस्मार्क था कहाँ रियल जो बिस्मार्क था वो जर्मनी का था जो तो इस तरह से इटली का बिस्मार्क के रूप में जाना जाता था ये आई होप यू द पेन पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चंस अबाउट द काउंट काबूर की वो किसका चीफ मिनिस्टर था उसको क्रेडिट जाता है इटली के इतिहास में वो बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है बहुत बड़ी लाइनिंग है ये इटली के बिस्मार्क ही। जैसे की जैसे इटली की तलवार के रूप से जाना जाता था मैंने आपको बताया था गेरी बाल्डी गेरी बाली के बारे में मैंने आपको बताया था द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ जर्मन जर्मन के डिटेल बताइए द लिबरल मूवमेंट जो था उदारवादी जो आंदोलन थे जो उदारवादी थे नेशनलिस्ट लोग लो थे उन्होंने 1848 में क्या किया तो द आंसर रेडी जर्मन लिबरल मूवमेंट जो था जैसा कि हम जानते हैं लिबरल थे कौन कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि लिबरल कौन थे द जर्मन लिबरल जो थे वो मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोग थे जिसमें प्रोफेशनल्स लोग थे बिजनेसमैन थे फ्रॉसपरस आर्टिशियंस थे तो इट मीन द जर्मन लिबरल मूवमेंट वॉज लेड बाई लार्ज नंबर वेर मिडिल क्लास प्रोफेशनल मध्यम वर्गीय प्रोफेशनल थे बिजनेसमैन थे और फॉरपोरस आर्टिस्ट समृद्ध आर्टिस्ट कलाकार थे और व्यवसायी लोग हुए दे ऑल केम टुगेदर वो क्या हुए एक फैंड जो शहर है जर्मनी में वहाँ पर इकट्ठा हुए एंड डिसाइडेड टू वोट जर्मन नेशनल असम्बली के लिए उन्हें वोट करने का निश्चय किया अब भाई डेफिनेटली लिबरल लोगों ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा देश के लिए कि अगर वो जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वहां के जो चुने जाएंगे उनके लिए वोट करेंगे तो वो डेफिनेटली उनके लिए कुछ काम करेंगे तो जो लिबरल्स थे जिसमें कि बिजनेसमैन आते थे मिडिल मैन आते थे एजुकेटेड लोग आते थे आर्टिशियंस आते थे उन लोगों ने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली जो कि फैंक शहर में थी आ, 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 फ्रेंक्र शहर में इसकी स्थापना हुई थी उनके लिए वोट करने की सोची ऑन एटीन मई एटीन फोर्टी याद रखिएगा डेट एटीन 18 मई एटीन फोर्टी एट को एट थर्टी वन जो एट थर्टी वन रिप्रेजेंटेटिव थे वो चुने गए किनके द्वारा इन्हीं लिबरल्स लोगों के द्वारा इन्हीं कॉमनवेल्स लोगों के द्वारा चुने गए तो उन्होंने क्या किया फेस्टिव पोसे एक जुलूस के साथ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक गर्म जोशी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अपनी जगह उन्होंने ग्रहण की फैंक्राफ पार्लिमेंट में जो कहाँ थी एस्टीपॉल चर्च में हमें याद होगा फेंक्रव शहर तो था ही लेकिन फेंक्रॉफ पार्लिमेंट भी थी जो कहाँ आयोजित होती थी कन्वेंस इन द चर्च ऑफ पॉल में तो ठीक हो गया एट थर्टी वन रिप्रेजेंटेटिव ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फैंकराफ पार्लियामेंट में जाना निश्चय किया वहाँ जाके बैठे हो और एस टी पॉल चर्च में ये फैंकरा पार्लियामेंट आयोजित की गई थी नेक्स्ट पॉइंट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिजेक्टेड अब वो कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना चाहते थे जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो मिडिल मैन के द्वारा अमेरिकन लिबरल लोगों के द्वारा चुने गए थे उन लोगों को जो नया कॉन्स्टिट्यूशन वो तो बनाना चाहते थे वो रिजेक्ट कर दिया गया बाई फेडरिक वलीम फोर ये खास नाम है जो पर्सिया के राजा थे किंग ऑफ परसिया फेडरिक वलीम फोर ने क्यों किया ऐसा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनारची नहीं चाहते थे अब मोनार्की उन्हें पसंद थे मोनार्की वो चलो लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची चाहते थे जिसमें कि वो राजा के प्रति राजा रिस्पॉन्सिबल हो किसी अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति द किंग ऑफ ही अदर उसने अदर राजाओं का साथ दिया टू उसका अपोज कर दिया क्योंकि उसे शायद विश्वास था अदर मोन अदर राजाओं का साथ देगा तो शायद वो और ज्यादा वो पावरफुल हो जाएगा न्यूली इलेक्टेड मेंबर जो थे नेवर सपोर्ट तो कभी जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर जो थे जो लिबरल लोगों के द्वारा जो इलेक्ट किए गए थे नेवर सपोर्ट द डिमांड ऑफ पुअर उन लोगों ने क्या किया कभी पुअर क्लास की सपोर्ट किया ही नहीं तो इससे क्या हुआ उन्होंने सपोर्ट खो दिया लार्ज नंबर ऑफ वुमेन और हम जानते हैं कि जो बहुत सारी वुमेंस थी जो अपने पॉलिटिकल राइट नहीं थे इक्वलिटी नहीं थी वेजिस इक्वल नहीं दिया जाता था तो लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स ने क्या किया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट दे वेर नॉट गिवन द पोलिटिकल राइट क्योंकि उनको पॉलिटिकल राइट नहीं दिया जाता था और फाइनली मैं आपको बताऊं तो बाद में ये जो फैंक ऑफ थी ये राजी हो गई थी कि बहुत सारे जो ये फ्यूडल सिस्टम्स हैं इनको कैंसिल कर दिया गया था सरपडम है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते थे कि बिना इनके सपोर्ट के बिना लिबरल्स के सपोर्ट के वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा रिप्रेशन भी देखने को मिला था वहाँ पर से अलग रिप्रेशन कर रही थी हर जगह पर एक अफरा तफरी मैं कह सकता हूँ उसका माहौल था तो आई होप यू हैव हैिटन की जर्मन लिबरल्स लोगों ने किस किस तरीके से वो किया क्योंकि इन लोगों ने फेंक्राफ्ट में जो फेंक्रफ्ट शहर में जो ऑल जर्मन नेशनल असम्बली के लिए रिप्रेजेंटेटिव थे उनको चुन के भेजा और ये जब रिप्रेजेंटेटिव इस फेंक्राफ्ट पार्लियामेंट में आए जब ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहते थे जो नया कॉन्स्टिट्यूशन इस पर्शिया के राजा ने मानने से इनकार कर दिया क्यों क्योंकि ऑटोक्रेसी को फेवर करता था इसने अदर मोनार्स का साथ दिया ठीक हो गया नाउ कम टू द अदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाई डिड द नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बालकन जो बालकन था मैंने आपको बताया कि बालकन भी एक ए, नेशन स्टेट के रूप में स्टेब्लिश नहीं हुआ था और दुनिया के अदर यूरोप के पावरफुल कंट्रीज की जो नजर थी इस पर टिकी हुई थी तो क्या क्या टेंशन इमर्ज हुई क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई कह सकते हैं कि बालकनस में जो नेशनलिस्ट थे तो लेट इज स्टार्ट बालकन जैसे कि हम जानते हैं वॉज जा जो रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन जहाँ पर एक जातीय रूप से कई ज़्यादा वेरिएशन विभिन्नताएँ देखने को मिलती जोग्रफिकल वे में कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया बुल्गारिया अल्बानिया मेसिडोनिया सोलवनिया सर्विया ये इन एरिया से मिलके के जो बालकन बना था आजकल का जो रोमानिया बुल्गारिया अल्बानिया मेसिडोनिया और सलोवेनिया है हुपिडेंट जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसके जो वासी थे यहाँ रहने वाले वेर ब्रॉडली नोन एज द स्लैब्स स्लैब्स के नाम से जाने जाते थे यहाँ रहने वाले निवासियों को स्लैब्स कहा जाता था जैसे अमेरिका में रहने वालों को रेड इंडियंस बोलते थे याद होगा आपको ऐसे ही बालकनस में रहने वाले लोगों को स्लैब्स कहा जाता था जो निवासी थे वहां के बालकन पेनसुला जो था प्रादीपी था हैड बीन अंडर द कंट्रोल और जो बालकन था उस कंट्रोल कौन करता था ऑटोमन इंपायर कंट्रोल करता था ऑटोमन साम्राज्य के बारे में हमने सुनाई था ऑटोमन साम्राज्य ने इस पर कंट्रोल किया था हाउ एवर इन 19 हालांकि जो नाइनटीन सेंचुरी था जैसे ही ऑटोमन एम्पायर का जो इम्पैक्ट था वो लोगों में कम होने लगा डिक्लाइन होने लगा उसकी सुपरमेसी घटने लगी इंटरेस्ट ऑफ मेजर और जो यूरोपियन पावर क्या करने लगी उस पर कब्जा करने लग गई और एक बात और भी एक हर क्षेत्र क्या था वहाँ पर बालकन में हर क्षेत्र एवरी एरिया जो था अभी मेरे दिमाग में से स्किप हो गई थी ये बात आप लिख सकते हैं इंग्लिश में हर जो एरिया था वो एक दूसरे से क्या करता था ज्वेल्स करता था चिड़ता था तो एक दूसरे के टेरिटरीज को कैप्चर करना या उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना और आगे बढ़ जाना एक हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ने की होड़ थी हर सेक्टर की हर जो यहाँ पर एरियाज था बालकन्स में तो हर एरियाज दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहता था इकोनॉमिकली तो इसलिए वो दूसरे एरियाज के टेर को भी क्या करना चाहता था वहां के रिसोर्स करना और आपस में इसी तरह से इनकी कंट्रोवर्सीज होती रहती थी फाइट होती रहती थी तो ये यूरोपियन ताकतें इस ताक में थी कि कब इनके जो आपस में कॉन्ट्रोवर्सी युद्ध है या आपस में है और इसके बाद हम इन पर शासन करें वो चाहते थे ऐसा नाइनटीन सेंचुरी में डिक्लाइन हो गया ठीक है ऑटोमन एम्पायर का और जो इंटरेस्ट था यूरोपियन पावर का उनकी इबालकन की और ज्यादा बढ़ा इन द नाइनटीन सेंचुरी जो यूरोपियन सब्जेक्ट जो थे नेशनलिस्ट जो थे ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेर्ड इंड अब नेशनली राष्ट्रवाद की भावना इसमें आई ब्रोक टूट पड़ी एंड इन जो कंट्रोल था एंड इन जो ऑटोमन एम्पायर का वो डिक्लाइन होने लगा था और इंडिपेंडेंस फाइनली वो इंडिपेंडेंट होने के लिए कोशिश करने लगे पावर रशिया जर्मनी इंग्लैंड कीन काउंटिंग ऑफ अदर पावर ओवर बाल्कन ये जो शक्तिशाली देश थे यूरोपियन के वो बाल्कन पर अपनी पावर सुपर दिखाने चाह रहे थे और इस तरह से सर्विस ऑफ वॉर अपने ही टेरिटरीज में बालकन में युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध के कारण इन रीजन में युद्ध के कारण एंड फाइनली फर्स्ट वॉर ब्रोक आउट इसी के कारण से आपको पता होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो क्या हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया इन्हीं के कारण तो आपने देखा कि लास्ट में हमने बालकन के बारे में ही पढ़ा था कि बाल्कन में ऑटोमोन्स एम्पायर का शासन था वहां के लोगों को स्लाव्स कहा जाता था और जगहों पर रोमानिया बुल्गारिया, अल्वानिया ये प्रांत उनमें आते थे और किस तरह से वो एक दूसरे से जलते थे तो एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे तो, आपस में खुद ही उनकी फूट पड़ गई आपस में लड़, लड़ मरे और आपस से लड़ने के कारण फर्स्ट वर्ड वर का युद्ध हुआ तो फाइनली आई होप यू रोड दीज क्वेश्चन इन योर कॉपी इफ देर एनी प्रॉब्लम अराइज देन यू कैन कंसल्ट though the schools uh, to me that you are facing some problems in the chapter thank you for writing this question and answer in your notebook thank you